ऐसे होता है सर भाई। टरबाइन वो टरबाइन से कि जिसमें एग्जॉस्ट में आपको प्रेशर मिलेगा, 2 KG, 3 KG, 4 KG का प्रेशर रहेगा, और वो प्रेशराइज स्टीम कहाँ पे जाएगा, ये प्रोसेस पे जाएगा। पकड़ लो आपके पास एक शुगर, वहाँ पे शुगर के जो से जो शुगर बनेगा या फिर आपका जलेबी बनेगी, वो सारे प्रोसेस क्या चाहिए, स्टीम चाहिए आपको, या फिर ग्लोबल इंडस्ट्री, तो वहां पे क्या है, स्टीम चाहिए प्रोसेस में, स्टीम भी चाहिए और पावर भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर भी चाहिए और तो स्टीम भी चाहिए। बेटर है ना हम छोटा मोटा अपना पावर प्लांट दिखा दे, बॉयलर लगाए और स्टीम टरबाइन जो है उसमें कॉन्डेंस ना ना करके हम वही के स्टीम को प्रोसेस में भेज दें, तो 2-3 KG का प्रेशर से स्टीम मेरे प्रोसेस में आ जाएगा। प्रोसेस के बाद फिर से वो तीन कंडेंसिंग करके हम क्या करेंगे, फिर ये होता है कि दो टाइप के टरबाइन मिलेंगे, एक को बोलेंगे कंडेंसिंग टरबाइन, दूसरे को बोलेंगे बैक प्रेशर टरबाइन। तो टरबाइन का तो हमको स्टीम टरबाइन का थोड़ा बहुत एक आइडिया मिला है कि स्टीम आ रहा है, लीक निकल रहा है और एग्जॉस्ट साइड पे या तो प्रेशराइज भी हो सकते हैं या फिर बेसिन क्रिएट करते हैं उसका पावर प्लांट। पावर प्लांट में बड़े पावर प्लांट में अगर बैक प्रेशर टरबाइन है तो फिर कंडेंसर लगा होगा, कंडेंसर अगर लगा है तो उसके नीचे एक हॉट वेल लगा होगा। जो कंडेंसर की बात हम कर रहे हैं वो कंडेंसर हो सकता है वाटर कूल्ड है या फिर एयर कूल्ड है, जहाँ पे पानी की कमी है तो हम क्या करेंगे, एयर कूल्ड कंडेंसर लगाएंगे, एफिशिएंसी थोड़ा सा कम होगा वाटर कूल से। और फिर हॉट वेल में जो कॉन्डेंसर जाके जमा होगा उसको हम फिनिशिंग के द्वारा खींचेंगे, इजेक्टर में भेजेंगे, इजेक्टर से गैस में जाएगा, गैस से एक लाइन चला जाएगा हॉट वेल में, एक लाइन चला जाएगा मेरा डीएल इफेक्ट, ये हो गया स्टीम का पूरा पूरा एंटायर सर्किट कैसे खींच रहा है, जगह जगह से प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वो हमको अभी पता चल चुका। इजेक्टर का काम क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, इजेक्टर क्या करेगा कंडेंसर से एयर को सक करेगा, किस ढंग से सक करता है इसका प्रोसेस आपको पता है अभी, नोजल्स कैसे लगाते हैं है ना, कितना इजेक्टर होता है, 3 इजेक्टर सेकेंड, एक हो रहा है स्टार्टिंग इजेक्टर इसको हम क्या बोलते हैं, अगर दो होता है सर्विस इजेक्टर, इसमें इंटर कूलर एक अफ्टर कूलर रहता है, स्टीम एयर को खींच के पहले इंटर कूलर में देगा, वहां से कंडेंस स्टेज जो होगा वो हॉट वेल से चला जाएगा और जो गैस या फिर स्टीम रह गया है उसको हम फिर से खींचेंगे कट करके अफ्टर कूलर में देंगे, अफ्टर कूलर में कंडेंसेट बनेगा और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस रह जाएंगे उसको हम वेंटिंग कर देंगे एटमोसफियर, और जो कंडेंसेट बनेगा अफ्टर कूलर में वो भी कहा जाएगा उनके हॉट वेल पे चला, है ना, इजेक्टर का कॉन्सेप्ट समझे। इजेक्टर में जो स्टीम आता है उस स्टीम को क्या स्टीम बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टीम बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टीम बोलते हैं। जो मेन स्ट्रीम लाइन से, मेन स्ट्रीम लाइन से देखो टरबाइन से इनलेट पे जाने से पहले
जगह से डाइवर्ट कर रहा है, एक लैंडस्टीम के लिए जा रहा है एक लाइन, और एक मेरा सीआरडीएस में आ रहा है ऑग्जिलरी स्ट्रीम। टरबाइन में जितने से पहले अभी पूरा पिक्चर आंखों में है ना, ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही आपको, सारा चीज हम देख पा रहे हैं। इस टरबाइन की इंजन से स्टीम आई, और उससे पहले हमने दो लाइन देखी है, एक गया मेरा सीआरडीएस से और एक गया मेरा ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में, और सॉरी ग्लैंड टरबाइन के ग्लैंड में। ग्लैंड में जो स्टीम गया उसको हम ग्लैंड स्टीम बोल रहे हैं, जो टर्बाइन का स्टीम टर्बाइन का ग्लैंड होता है उसको लिब्रिन ग्लैंड बोला जाता है, लिब्रिन ग्लैंड। इसको सीलिंग के लिए हमको स्टीम चाहिए, वहां पर स्टीम का प्रेशर कितना होता है 0.01 kg पर सेकंड। अब वो स्टीम को जब हम उसको निकाल रहा है तो हम सब करके निकाल रहे हैं, इसके लिए हमने लगाया हुआ है जीएस, एक कॉन्डेंसर लगाया है ग्लैंड स्टीम ग्लैंड कॉन्डेंसर, उसके ऊपर फैन लगा हुआ है, जीएसटीसी फैन को ऑन करो तो वो अंदर से क्या करेगा, वेपर को एटमोसफियर में निकालता रहेगा, और जितना पार्ट कॉन्डेंसेट बनेगा स्टीम वो कॉन्डेंसेट स्टीम के हॉट वेल में चला जाएगा। तो सारे के सारे कॉन्डेंसेट जो बन रहे हैं वो कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, हॉट वेल में भेज रहे हैं। हॉट वेल में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेंगे, दूसरे हम प्लास्टिक करेंगे, पर चार्ज जो है वो हॉट वेल का लेवल को डिस्टर्ब ना करता, क्लियर हो गया? तो ये 15 मेरा मेन स्ट्रीम आया बॉयलर से निकला, बॉयलर से जो स्टीम निकला वो कहाँ पे आया, टर्बाइन के इनलेट पे। इसके पहले दो डाइवर्सन, एक ग्लैंड स्टीम और एक ऑक्सिलरी स्टीम। ऑक्सिलरी स्टीम के लिए सीआरडीएफ से दिखा, सीआरडीएफ से 10 kg का प्रेशर और 250 kg का टेम्परेचर इनलेट से निकल गया। जो मेन स्ट्रीम था मेरा वो 65 kg का प्रेशर और 490 डिग्री का टेम्परेचर था। अब यहाँ पे आया ऑक्सिलरी स्ट्रीम, इसमें फॉगर में आया, फॉगर के एटमोसफेयर में निकल गया, साथ में एयरफोन का उस गया तो वैक्यूम बना दिया कंडक्शन। लेकिन फॉगर खाली फॉगर से जो वैक्यूम बनता है वो मतलब लो -0.75 इस करेंगे या -0.7 इतना करता है। अब हमको क्या करना है, सर्विस इंजेक्टर से लाइन पे लेना है। जब हम सर्विस इंजेक्टर को लाइन पे लेने गए तो हमारा काम क्या है, पहले हम इंजेक्टर को लाइन पे लेंगे फिर फॉगर को बंद करेंगे। लाइन पे लेने के लिए हम सबसे पहले कौन सा वाल्व खोलेंगे, स्टीम वाल्व को खोलेंगे ताकि स्टीम कहीं चला जाए, और फिर वैक्यूम बने वहां पे नजर, और फिर हम लोग एयर का लाइन खोल देंगे तो एयर के साथ करेंगे। और जब हम फोगर को बंद करने जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा लाइन बंद करना पड़ेगा, एयर लाइन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने स्टीम लाइन बंद कर दिया तो पूरा का पूरा एटमोसफेयर एयर कंडक्शन में आ जाएगा, वैक्यूम का ड्रॉप करा देगा और हमारे सप्लाई स्विच कर जाएगा, क्योंकि कंडेंसर वैक्यूम से या फिर प्रेशर से टरबाइन का ट्रिपिंग किया गया। अगर ट्रिप नहीं कराएंगे उसका इफेक्ट आपको पता है, टरबाइन का ब्लेड भी कंडेंसर के बाहर जाएगा, टरबाइन का पूरा का पूरा ब्लेड भी कंडेंसर में आ जाएगा, क्यों कर रहे हैं कहाँ पे करते हैं ट्रिपिंग में। इंजेक्टर सर्किट पूरा का पूरा क्लियर है, बना सकते हो, ड्रॉइंग बना सकते हो, लेंस क्लियर हो गया, ग्लैंड स्टीम सर्किट क्लियर हो गया, मेन स्टीम सर्किट क्लियर हो गया। मेन स्टीम सर्किट में क्या कर देते हो, स्टीम आया टरबाइन से घूमा, लीवलाइन निकल गया और फिर एग्जॉस्ट पे आया, लेकिन फिर स्टीम हुआ, स्टीम की ने खींचा और फिर इंजेक्शन कंडेंसर या डीसी कंडेंसर और फिर हॉट वेल में एक लाइन और चैन पे लगेगा। टरबाइन का टरबाइन क्या हमको टरबाइन के सारे ऑक्सिलरीज पता है? हाँ टरबाइन के ऑक्सिलरीज पता है, क्या क्या ऑक्सिलरीज है? पहला ऑयल सिस्टम लेंगे, ऑयल सिस्टम में क्या क्या है, मेन ऑयल पंप बोलते क्या ऑयल, मेन ऑयल पंप, ऑक्सिलरी ऑयल पंप, इमरजेंसी ऑयल पंप, जैकिंग ऑयल पंप, चार ऑयल पंप है, और ऑयल को प्रोसेस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूज हो गया, पांच ऑक्सिलरी इक्विपमेंट ऑयल सिस्टम का हो गया। उसके बाद ऑयल को गर्म करना पड़ेगा, ठंडा तो गर्म करना पड़ेगा तो लूब ऑयल हीटर लगेगा जो मेन ऑयल टैंक में लगेगा, उसके बाद पानी का आते हैं, वाटर में क्या क्या पंप लग रहा है, एक एमसीडब्ल्यू पंप और एक एसीडब्ल्यू पंप, मेन ऑयल मेन कूलिंग वाटर पंप एंड ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप, दो पंप लग रहे हैं पानी का, हो गए आठ। और क्या है, कंडेंसेट निकालने के लिए टीसी लगा दिए, नौ हो गए यहाँ पे। और क्या है,
बरिंग गियर है, बरिंग गियर या फिर टर्निंग गियर। बरिंग गियर क्यों चाहिए आपने को? बरिंग गियर चाहिए क्योंकि टर्बाइन को स्टैंडस्टिल नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो इकोमिशन आएगा, तो उसको घुमाना पड़ेगा लो आरपीएम पे। जब बंद करेंगे टर्बाइन को तो कंटिन्यूअसली घुमाते रहना पड़ेगा, इसके लिए आपने को चाहिए बारिंग गियर या फिर उसको टर्निंग गियर भी बोला जाता है। बारिंग गियर सिस्टम चाहिए, वो हो गए मोटर। और क्या चाहिए? फैन चाहिए, सीसी फैन चाहिए, तीन टावर का सीसी फैन लगा दिए, डीएससी फैन है, ऑयल मिस्ट फैन है, जो गर्म तेल आएगा उसी में लगा मॉइस्चर सेंसर है। जब हीटिंग करेंगे तो उसमें मॉइस्चर या फिर फ्यूम्स बनेंगे, अगर तेल का क्वालिटी खराब है तो उसके फ्यूम्स बनेंगे, उस फ्यूम्स को निकालना है। मिस्ट ऑयल फैन लगा दिए, हो गया खत्म। और क्या सारे कवर हो गए, तो ये सारे तो ऑप्शन लगी थी, क्योंकि अभी तो सारे ऑप्शन लगी थी, तो अच्छे को चलाना पड़ेगा टर्बाइन के साथ। टर्बाइन का रोलिंग समझता है, बॉयलर का लाइट अप समझता है, बॉयलर का वॉक अप समझता है, टर्बाइन का छत अप, ये सारी चीजें तो सर्किट किया। अगर हम बॉयलर का सर्किट की बात करते हैं तो बॉयलर सर्किट में आपको सबसे पहले मिलता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम पानी को क्या करते हैं? डीमिनरलाइज, वाटर बनाते हैं। डीमिनरलाइज क्यों बनाना पड़ता है? इसका रीजन हमको अभी पता है, क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज रहती है। इंप्यूरिटीज में क्या क्या इंप्यूरिटीज रहती है वो आपको पता है अभी? विजिबल इंप्यूरिटीज, टोटल डिग्री ऑफ सॉलिड, टोटल डिग्री ऑफ प्रेशर, हार्डनेस, सारे इंप्यूरिटीज पता है। इसका रिमिडी क्या है वो भी पता है, इसका इफेक्ट भी पता है, इसका रिमिडी भी पता है। इफेक्ट क्या होता है वो भी आपको बोलिए से पता है, और उस प्रॉब्लम को से बचने के लिए क्या करना है वो भी आपको पता है। टेस्टिंग आपका काम नहीं है, रेंज जानना आपका काम है। रेंज को देखो, उसका प्रॉब्लम को समझो, टेस्टिंग आपका केमिस्ट कर देगा। ठीक, टेस्टिंग की पानी मिला उसको डीएम टैंक में, डीएम टैंक में पानी मिला तो डीएम टैंक से डीएम टैंक पर पहुंच चुकी हूँ। हमने कहाँ भेजा पहले? एयरेटर में। एयरेटर में क्या हुआ? एयरेटर, एयरेटर मतलब ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग कैसे कर रहे हैं? एलसी डोजिंग की मदद से कर रहे हैं। एलसी डोजिंग पंप चलाए, इसमें कौन सा केमिकल देंगे? हाइड्रोजन देंगे। हाइड्रोजन देने से ऑक्सीजन को लेके वो बनाएगा पानी, और नाइट्रोजन का गैसेस निकाल देगा एटमोसफेयर में। तो एयरटाइट से ऊपर एक बैंड बल्ब लगाना पड़ेगा, वो बैंड बल्ब खुला होना पड़ेगा, तभी जाके वेंडिंग होगा, ये भी समझ गए। एयरटाइट के ऊपर आपको तो शक्ति बल्ब भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एयरटाइट जो प्रेशराइज होगा वो कितना प्रेशर बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अपने को कितना प्रेशर रखना है? तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एयरटाइट का फंडा पूरा आपको पूरा क्लियर है। आपने के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह का कौन सा फिर डीएसएस से आते हैं हम लोग हीट पंप पे। हीट पंप का पता है कि मल्टी स्टेज पंप है, उसमें जो ग्लैंड है उसमें ग्लैंड के नीचे ही हमको ऐसे डब्ल्यू से पानी लेना है, और इसमें एयर की ऑटो मोटो रिसर्कुलेशन लाइन रहता है, बैलेंस रिसर्क लाइन रहता है, वो तो आपको देखना है। फिर जो सक्शन होता है वो पॉजिटिव सक्शन होता है 1.5 kg से। अब बॉयलर सिस्टम पंप के है वो मतलब 1.5 kg से सेट करेगा, तो वो जो सर्च करेगा वहाँ तकरीबन 100 kg से करेगा, तो 1.5 kg से 100 kg इतना हाई प्रेशर बनाना है। मल्टी स्टेज पंप बहुत बड़ा पंप चाहिए। टेम्परेचर क्या रहेगा? जितना डीएसएस का टेम्परेचर है उतना ही रहेगा, वहां पे ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। कंप्रेशन के कारण थियोरेटिकली कुछ गेन होता दिखता है, प्रैक्टिकली नजर नहीं आता। तो अब अगर हम स्टीम साइकिल की बात करें, तो देखा मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन में खींच के बने, इसको बोलेंगे सेचुरेटेड रेफ्रिजरेटेड
लिक्विड ठीक। और यहाँ पे एक लाइन क्लियर कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर। ये कहाँ से मिला? ये एक्सपेरिमेंट से ही मिला। ये जो कार्ड ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है हमने टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी कैसे बढ़ता है? एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। मॉलिक्यूल जो है वो कितना डिसऑर्डरली बिहेव कर रहा है, इसके ऊपर बेस करके हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। कौन सा ग्राफ? पीएस का है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का है। ठीक है, सब्जेक्ट में समझ में, ये तो स्टैंडर्ड है। अगर इतना टेम्परेचर होगा तो इतना एंट्रोपी जाएगा, इतना टेम्परेचर होगा इतना एंट्रोपी जाएगा। उस हिसाब से ये लाइन जो किया गया है कि लिक्विड जब रहता है पर्टिकुलर प्रेशर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लिक्विड जब है वाटर, उस टाइम पे ये वाला जो आ रहा है, ये वाला ड्रामा। तो इसको बोला जाए सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड टेम्परेचर। अब शुरू करते हैं कहाँ पर? ये पॉइंट, जब मेरा वाटर जो है वो लिक्विड, ठीक है, और यहाँ से ठीक क्या बना रहा हूँ? थर्मोडायनामिक साइकिल। कौन सा साइकिल? स्टीम साइकिल। क्या नाम है? रैंकाइन साइकिल बोलते हैं, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। तो जब हमने लिक्विड के जैसे देखा है, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल जैसा दिखता है, कि यहाँ से ऐसा दिखता है, कि ऐसा है, ठीक देखो। हमने फिट पंप लगाया था, हमने कंप्रेशन किया, कंप्रेशन करने से एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा? लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हो, लिक्विड को कंप्रेस करने से लिक्विड को बहुत ज्यादा तो एंट्रोपी चेंज नहीं होने वाला है, वो लिक्विड है, लेकिन हल्का सा होने से भी एंट्रोपी घटेगा। ये तो एंट्रोपी थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो, टेम्परेचर बढ़ा, कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर हल्का सा राइज होगा। ये मेरा कंप्रेशन वाला पार्ट हीट पंप के अंदर का है ना। इसके बाद ये वाला पार्ट जो कौन सा है? इकोनोमाइजर का है। हमने इकोनोमाइजर में डाल दिया पीएससी के, तो हीट पंप से जब इकोनोमाइजर से गया तो उसका टेम्परेचर राइज हुआ, सेंसिबल हीट गेन किया, टेम्परेचर पूरा राइज हो रहा है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म से ही रह रहा है। ये जो है लिक्विड ही रह रहा है, तो लिक्विड लाइन के अंदर ये पार्ट क्या है? लिक्विड है, इधर वाला पार्ट वेपर है। तो इकोनोमाइजर से पूरा का पूरा लिक्विड मिल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद ये गया मेरा ई वेपोरेटर से, मतलब मेरा बॉयलर जिसको हम बोलते हैं, ई वेपोरेटर, ड्रीम टीम क्वालिटी। वहां पे जाते क्या हो रहा है? टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वहां पे आग जल रहा है फर्नेस के अंदर, लेकिन वहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? वो स्टीम बन के पीछे ड्रम में चला जा रहा है। तो ये रहा वो वाला पार्ट इवेपोरेटर, यहाँ पे लिक्विड क्या हो गया? स्टीम में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। इसने यहाँ पे क्या चेंज किया? लेटेंसी चेंज किया, लेटेंसी चेंज से ये बन गया, आ गया कहाँ पे? सैचुरेटेड वेपर लाइन से। इसलिए हम ड्राम का जो स्क्रीन है उसे क्या बोल रहे हैं? सेचुरेटेड स्क्रीन बोल रहे हैं। अब सेचुरेटेड स्क्रीन से वो निकल के कहाँ जाएगा? सुपर हीटर में। ये नाम मेरा सुपर हीटर पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर कॉन्स्टेंट कर दिए और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, चढ़ रहा है टेम्परेचर, हो गया सुपर हीटर। इसके बाद यहाँ पे जाके हमने टर्बाइन से डाल दिए, तो जैसे ही टर्बाइन पे डाल दिया, ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है टर्बाइन से। ये रहा मेरा टर्बाइन, देखिए
वर्जन हो गया, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप होकर कितना माइनस इंजरी पे था 45 डिग्री टेम्परेचर नेगेटिव प्रेशर पे। अगर इसके बाद कहाँ से गया, टेम्परेचर ड्रॉप होकर एग्जॉस्ट पे आ गया वेपर है, तो हम क्या करेंगे कंडेंसर में डालेंगे। ये आ गया हमारा कंडेंसर, कंडेंसर पे कंडेंसर जैसे कंडेंसर में गया वहां से अपने लेटेंट हीट निकाल लिया कि जो वेपर था वो क्या हो गया लिक्विड बन गया, लेकिन टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है माइनस से सेम टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आपको मिला कि ये लेटेंट हीट, यहाँ पे मिला लेटेंट हीट, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो इतना हीट निकाल रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हीट दे रहे हैं, समझ में आ रहा है बस, कि ये वेपर से लिक्विड बन गया फिर से लिक्विड। तो दिस इज मॉडिफाइड रैंकाइन मॉडिफाइड इसके ऊपर बेस करके तीन टरबाइन काम करते हैं, तीन पावर प्लांट काम करते हैं। तीन वाला जो भी प्रोसेस है वो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल के हिसाब से काम करेगा। पहले आप उसको बॉयलर से जो भी इकोनोमाइजर पे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वेपर बनेगा, फिर सुपर हीटर पे जाएगा, फिर टर्बाइन पे जाएगा, फिर टर्बाइन मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन आपके कंप्लीट किया एग्जाम पर भी ठीक है जा सकते हैं ना, कंप्लीट एग्जाम है इन सेकंड जैसे सीन टर्बाइन सीन पावर प्लांट कौन से साइकिल पे काम करता है, थर्मल एनर्जी सिस्टम सीन टर्बाइन किस पे काम करता है, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल मॉडिफाइड है, क्योंकि ये सुपर हीटर पार्ट ये मॉडिफाइड है। ठीक है, अगर हम अब यहाँ से समझना टेक्निकल, हम क्या बोल रहे थे कि वैक्यूम मेंटेन करने से स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है, वैक्यूम मेंटेन करने में स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है। क्या हम इस ग्राफ पे दिखा सकते हैं, अपने को पता है कि एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट इक्वल टू द वॉल्यूम, सही काम चलता। अगर ये एरिया बड़ा हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मैं जितना ज्यादा सुपर हिट करूँ वहां से गिराऊँ उतना बड़ा एरिया बनेगा। तो अगर यहाँ से मैं करता हूँ सेचुरेटेड स्टीम को अगर मैंने टर्बाइन के अंदर डाल देता, तो वो जब वॉल टर्न करता है ये पानी वेपर बन जाता, वेपर बन जाता है टर्बाइन के लिए खराब होता है। इसीलिए सुपर हीट है स्टीम, अगर सुपर हीट तो स्टीम कम है तो क्या हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व छोटा बनेगा,
वर्षा कम होगी। अब एक बात तो है कि सुपर हीटर का सुपर हीटर स्कीम की चाहिए और टेम्परेचर की हाल चाहिए वो हमने पता लगा। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कि भाई वैक्यूम मेंटेन करना क्यों जरूरी है ताकि कार्बन का एफिशिएंसी बढ़े। कैसे बढ़ता है इसको देखिए। अब पकड़ लो यहाँ पे है मेरा 45.5 डिग्री, ठीक है। अब 45.5 डिग्री का प्रेशर कितना रहना चाहिए? -0.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका प्रेशर चाहिए। अगर हम 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर रख रहे हैं, मतलब टरबाइन के पीछे वैक्यूम नहीं बना रहे, तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मतलब 100 डिग्री से नीचे आएगा तो वेपर करके आएगा पानी बनाने। इसके नीचे अगर आया तो वेपर बन जाएगा, वैल्यू को निकाल लेना पड़ेगा, मतलब टरबाइन के टरबाइन से वहां पे आके निकाल लेना। अगर यहाँ से निकालते हैं तो देखो एरिया एक्सेल के साथ क्या हो गया, छोटा हो गया, कम हो गया, बहुत अच्छा हुआ था। वैकेंसी के समझ में आया, ये हो गया सिंपल। गैस टरबाइन कौन से साइकिल पे काम करता है? कौन से थर्मोडायनामिक प्रोसेस से गैस टरबाइन काम करता है? ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल से गैस टरबाइन काम करता है। हाँ थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस है, थर्मोडायनामिक का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ प्रोसेस है ना। तो हमने नाम पढ़ा था कॉलेज में, जैसे कि नंबर 1 प्रोसेस आइसो थर्मल, एक प्रोसेस हम लिखते हैं आइसो थर्मल, आइसो थर्मल। ये आइसो थर्मल का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे बताओ मेरे को आइसो थर्मल कहाँ कहाँ पे होगा? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और क्या पढ़े थे हमने? आइसोथर्मल मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर होता है तो क्या बोलते हैं प्रोसेस को? तो थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक साइकिल या फिर प्रोसेस जिसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं? प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसो बारिक, प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो तो प्रेशर कॉन्स्टेंट। और अगर कोई भी कॉन्स्टेंट है तो क्या बोलते हैं? जहां पर कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, एंट्रोपी कॉन्स्टेंट।
नथिंग इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर हवा डायनेमिक वेरिएबल जो है वो कॉन्स्टेंट क्या कहते हैं बताया आपको। नथिंग और एक प्रोसेस प्लस क्या होगा काम करते हैं आई कैन सो अरे प्रोसेस क्या है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है जिसमें अपना प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम ये सब क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है? ये तो हो गया टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दिया, प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दिया, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर दिया, कोई भी चीज कॉन्स्टेंट नहीं है एडियाबेटिक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस वेयर एंट्रोपी रिमेंस कॉन्स्टेंट। जहां पे एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है ये टरबाइन चल रही है। एंट्रोपी क्या है? फिक्स है। यहाँ पे देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर चेंज, लेकिन एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही। तो ये हो गया आइसेंट्रोपिक चेंज, जहां पे एंट्रोपी चेंज नहीं। ये हो गया मेरा कॉम्प्रेशन, यहाँ पे एक्सपांशन, एक्सपांशन है ना, एक्सपांशन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल सारे पार्ट कहाँ कौन पढ़ता है? मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस का पार्ट है। तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट द प्रोसेस की हो क्या रहा है। अब इसको अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक है, इसको नहीं पता है क्या दिक्कत है, इसको करेंट और वोल्टेज से मतलब, लेकिन एक अधूरापन रहता है कि हो क्या रहा है प्रोसेस। कुछ अगर काम करना चाहोगे भी, कुछ अगर चीज बनाना चाहोगे भी, तब भी आपको आइडिया बेसिक आइडिया तो रहे कि हाँ भाई ये कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ, ऐसा एक मशीन बनाना चाहता हूँ, कुछ दिमाग में आ रहा है इसको अगर ऐसा बना दे तो उसके लिए कुछ आइडिया तो रहे कि प्रोसेस कैसा बने। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को तो जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट स्किप कि भाई नहीं इसके प्रोसेस से मतलब नहीं है कनेक्ट करके। इलेक्ट्रिकल वाला बोल सकता है कि यार प्रोसेस से मेरे को क्या मतलब है, मुझको थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं समझ। बट एग्जैक्टली अगर आप आपका सिलेबस या फिर कोर्स किताब से देखेंगे तो वहां पे थर्मोडायनामिक एक एक इंस्टेंट में आपने पढ़ा,
फ्लूइड डायनामिक्स या फिर थर्मोडायनामिक्स किस टाइप का एक स्ट्रक्चर से डेफिनेटली इंक्लूड किया होगा, बिकॉज हमारे इंजीनियरिंग करियर में हमको बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने को मिलते हैं जिसका वैल्यू हम तब नहीं समझ पाते। जैसे हमारे टाइम से हम लोगों को सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड एचआर, टीचर एंड अकाउंटिंग क्या हम पढ़ेंगे, हम लोग इंजीनियर पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ सकते। मैक्सिमम हम लोग बैलेंस शीट बनाना बड़ा ही दिक्कत वाला काम, क्यों बैलेंस शीट पढ़े हैं। बट आज के डेट पे मुझसे पूछो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है ना वो अकाउंटेंट की, आज तक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसके ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने पकड़ लो अपने कोई एक प्रोडक्ट, चाहे आप मेरा एक कोर्स, मैंने एक कोर्स बनाया उस कोर्स को पे किया, उसके ऊपर का खर्चा कितना आ रहा है, उसमें हम टैक्स कितना दे रहे हैं, कितना दिनों के लिए उसे पीछे लेके जा रहे हैं, उसमें मेरा क्या क्या चीजें थी, कोई मेरा कॉस्टिंग पकड़ना चाहिए, नहीं समझ रहे। हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं आते हैं लोगों को लेके, जब तक नहीं सीखा है चलाते हैं, चल रहा है ठीक है चल रहा है।